बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में जयराम ठाकुर के सीएम पद पर मोहर लगने के बाद खुशी के नाम पर मायूसी जैसा माहौल है। तो इसी बीच हमीरपुर में एक वाकया देखने को मिला, जहां एक युवक गांधी चौक पर अकेले जश्न मनाता रहा, जबकि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता या नेता ने उसकी खुशी का हिस्सा नहीं बना। जयराम के अकेले समर्थक अनूप राशन ने आते जाते हुए लोगों को मिठाई भी बांटी और पटाखे भी फोड़े। गत काफी सालों से अनूप राशन नौकरी के चलते हमीरपुर में निवास कर रहा है और मूलतः मंडी जिला का रहने वाला है, और सीएम पद पर जयराम के नाम के ऐलान के बाद से ही अनूप गदगद है। वहीं युवक को हमीरपुर में जयराम के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी न होने का भी मलाल है, जिसके चलते अकेले ही युवक ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। हैरानी की बात तो यह है कि हमीरपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने इस युवक के जश्न में साथ नहीं दिया। युवक ने अपने नाम के साथ जयराम का पोस्टर भी छपवाकर मुख्यमंत्री को बधाई दी है, जो कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनूप राशन ने कहा कि जब से जयराम ठाकुर की घोषणा हुई है, तब से अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए अकेले ही मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। उन्होंने कहा कि इसका फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने अकेले ही खुशी मनाई है। खुशियाँ मनाने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। मुझे लगा कि जयराम ठाकुर जी को प्रदेश का जब मुख्यमंत्री की घोषणा करी गई, तो मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और गांधी चौक पे आके मैंने पटाखे फोड़े, अपने दोस्तों के साथ मिठाई बांटी और एक मुबारकबाद का संदेश भी मैंने गांधी चौक पे लगाया है जयराम ठाकुर जी के लिए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला था या मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। हाँ, मेरे को खुशी थी तो मैंने अपनी खुशी जाहिर करी, बाकी लोगों के दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता।